वही बात करते हैं रामगढ़ की, जहां रोशन साव हत्याकांड का खुलासा हुआ। जेल में बंद कुख्यात अपराधी भरत पांडे के इशारे पर हत्या हुई। आपको बताया कि रंगदारी नहीं देने पर यह हत्या हुई थी। भरत गिरोह के तीन अपराधी गिरफ्तार हो गए। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। मुख्य शूटर की तलाश जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए महावीर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। महावीर, रोशन साव हत्याकांड का खुलासा हुआ है, क्या कुछ बातें जो है सामने आई? जी, रोशन साव हत्याकांड का पुलिस ने हालांकि खुलासा कर दिया है, लेकिन इसका जो मुख्य शूटर है गमछाधारी, जिसने रोशन साव को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो जानकारी दी गई है कि बक्सी हत्याकांड में जेल में बंद अपराधी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिलवाया गया है। और आपको बतला दूं कि बक्सी हत्याकांड में जेल में बंद है कुख्यात अपराधी भरत पांडे, उसी गिरोह के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और जो बातें आ रही है उसके अनुसार ये कुछ ट्रांसपोर्टिंग का काम स्टार्ट किया था, जिसको पहले भरत गिरोह के लोग कर रहे थे, और उसके एवज में इससे रंगदारी मांगी जा रही थी। कुछ जमीन का विवाद भी पहले से चल रहा था, लेकिन जिसे भरत गिरोह के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और जिसके कारण जेल में बंद अपराधी भरत पांडे के इशारे पर रोशन साव की हत्या की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जेल्स में बैठे बड़े बड़े अपराधी घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं, और पुलिस जो है बाहर अपराधियों को खोजने में लगी रहती है, लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड रहता है वो जेल के अंदर बंद है, और उसी के इशारे पर रामगढ़ में हत्या का दौर चल रहा है। और आपको बतला दूं कि जिस तरह से रोशन साव की हत्या की गई है, उससे एक बात जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि रामगढ़ जिले में कभी भी गैंगवार की सूचना मिल सकती है। अगर पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में रामगढ़ में गैंगवार भी देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।